गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स मारो कुरैशी के साथ। सफर से फ्लाइट से एशिया पे आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर आप सबके लिए बड़ी इंटरेस्ट का बाइस होगा। रीज़न ये है कि हम सबके घर में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे ज़रूर मौजूद हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जिन्होंने अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट कर ली हैं और माँ बाप बहन भाई सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब भैया जो है वो नोट कमा के लेकर आएंगी, कहीं हमारी शादी करेंगे, कहीं हमारे लिए गिफ्ट्स आएंगे, ना जाने क्या क्या। इतनी होप्स आप लोगों की बिल्डअप हो चुकी होती हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब भाई या बहन, इवन ख्वातीन की भी बात करूँगी, लड़कियाँ भी डिग्री कम्प्लीट करने के बाद उनको नहीं समझ आ रही होती किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब ये एक मतलब मुझे हंसी भी आती है कहते हुए कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है और आपने क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ अस एंड अप यू नो वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा जहाँ पे हमारा दिल भी नहीं होता। तो आज इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना यूनिवर्सिटी वालों का कितना फॉल्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्रॉमिस करते हैं कि जी आप बाहर निकलेंगे, लाइन लगी होगी आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज की, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये स्टूडेंट इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं, इनको क्यों नहीं इनके ऊपर काम किया जा रहा, इतने मसले मसाइल हैं वहाँ पर, ये जो एक कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है उसको क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा। लेकिन बच्चों का भी ज़रूर कोई फॉल्ट होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। मीरा राजा हमारी पेरेंटल गाइड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे आज के मेहमान भी मौजूद हैं जी, सलमान शहजाद, जो कि इतना लंबा इनका डिजिग्नेशन है, रीजनल स्किल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर साउथ एशिया एट ब्रिटिश काउंसिल नास्ट बिजनेस स्कूल के जी हेड सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, प्लस ये डायरेक्टर कॉर्पोरेट लिंकेजेस भी रह चुके हैं जी नास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मारो, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और सबसे बड़े इनकी तारुफ है कि मेरे टीचर रह चुके हैं। थैंक यू जी। लेकिन आज मैं इनको सर सर नहीं कहूंगी, आज मैं सलमान कह रही हूं। किस उम्र में कर लिया ये सारा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जो टॉपिक आपने आज के लिए चूज किया, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई वाज वेरी ईगर टू कम एंड स्पीक ऑन। थैंक यू सो वेरी मच रियली। आई थिंक अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं इस डिस्कशन को, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स व्हेन दे गो आउट, यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है। इफ वी लुक एट द डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान, 170 मिलियन पॉपुलेशन, अराउंड 60% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज यूथ और बिलो यूथ, इट्स लाइक लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, एंड इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। पीपल से के प्रॉब्लम है, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, आई थिंक अपॉर्चुनिटी, अगर हम उनको ट्रेन कर दें, इफ वी कन्वर्ट दैट 60% इनटू स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी द प्रोजेक्ट विच आई एम लुकिंग एट ब्रिटिश काउंसिल विच इज कॉल्ड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, जिधर हम लोग काम कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स के साथ, दे आर नॉट लकी एनफ टू गो टू यूनिवर्सिटीज, दे आर नॉट लकी एनफ टू गो टू दिस गुड स्कूल्स, ओ एल एवस नहीं करते, मैट्रिक किसी ने किया हुआ, किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ पाकिस्तान में, एंड दे आर मेसन्स, कारपेंट्री कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर्स और सारा कुछ, टेक्निकली साउंड एंड आई थिंक उनका जो माइंड सेट है वो निकलते हैं मेरे ख्याल में, बिकॉज उनके सर पे होता है, दे हैव टू डू समथिंग, इट्स नॉट ओनली जॉब, दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एंड दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर फेलो वर्कर्स। ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले तो कैरियर काउंसलिंग को अगर हम देखें, हम लोग यही बात कर रहे थे पहले, कैरियर काउंसलिंग इज नॉट व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कैरियर काउंसलिंग इज व्हेन यू एंटर अ स्कूल, 8th ग्रेड पे एप्टीट्यूड टेस्ट, वेदर यू आर गोइंग थ्रू मैट्रिक और एफएससी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यू कुड बी अ वेरी गुड डॉक्टर बट यू कुड बी अ इवन बेटर इंजीनियर, सो यू नीड टू हैव योर एप्टीट्यूड, एंड व्हेन यू ग्रेजुएट इट्स नॉट कि किधर जॉब करनी है, इट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज योर स्किल्स। आई नो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने एम बी ए किया, उसके बाद वो आर्ट में चले गए, इंजीनियरिंग की, उसके बाद दे आर डूइंग मार्केटिंग, एग्जैक्टली इट्स व्हाट यू फील प्राइड इन, इट्स व्हाट यू फील सेटिस्फाइड इन। लेकिन उसका क्या करें, मुझे एक फीलिंग आती है कि एम बी ए कर लिया, लोग क्या कहें। हाँ, ईगो मेरे ख्याल में रेडी वाला जो है कार्टमैन, ही इज अ बेटर पर्सन फॉर द सोसाइटी देन अ एमबीए हु इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको 15,000 की ऑफर आती है, वो कहता है मैं इधर नहीं जा रहा। बिल्कुल सही, वेरी वेल यार, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि हम ये तो सोच होते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही और हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें नौकरी ना मिलने की वजह से हम कोई और काम ना करने की वजह से सोसाइटी और मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा, उसको खुद भी नुकसान है। आप थोड़ी अर्निंग कर लें, मगर एटलीस्ट आप रेगुलर तो हो रहे हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है, आप हमेशा, अब आजकल लड़कों का यही है सलमान, देख के वो कहते हैं कि हमारे जो निकलती पहली जॉब हमें 20-25,000 की चाहिए, उससे कम करनी नहीं, उससे कम तो करनी नहीं, उनके लिए वो स्टेटस के लिए उनके यानी हत्या की इज्जत है, ईगो हर्ट हो गया, बिल्कुल हर्ट हो गया। क्या करें इस चीज में? इसमें ऐसा है कि अगर जो दूसरे लो टियर इंस्टीट्यूट्स हैं, टीवेट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी पिछले दिनों नेटटेक में बात हो रही थी, तो दे वांट टू कॉल देम ग्रीन कॉलर पीपल, दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी फॉर देम,
और उनके लिए तो वी आर वर्किंग के एम्प्लॉयर लिंकेजेस किस तरह किए जाएं, उनके लिए जॉब प्लेसमेंट किस तरह किए जाए, अप्रेंटिसशिप्स पे उनको किस तरह लगाया जाए, किस तरह उनको ज़्यादा स्किल्ड बनाया जाए। मगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिधर हम लोग फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गुड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान दे डू हैव इंडस्ट्रियल लिंकेजेस और सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, और उनको प्रॉपर प्रोफेसर एलोकेट हुए हैं जो कि उनको करियर गाइडेंस करते हैं। बट स्टिल हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कि प्रॉपर करियर काउंसलर्स हैं? जितने भी बने वो अपने एक्सपीरियंस से बने, दे आर हार्डली फ्यू जिसने एमएससी की होगी इन करियर काउंसलिंग या पीएचडी की होगी, बिल्कुल नन मेरे तो ख्याल से, आई डोंट इवन सी एनीबॉडी। फ्यू आप नस्ट की बात कर रहे थे, आई नो देम लम्स में और आईबीएम में टॉप 3-4 यूनिवर्सिटी जिन्होंने साइकेट्रिस्ट रखे हुए हैं प्रॉपर, बट दे आर वेरी फ्यू गुड यूनिवर्सिटी जो कि प्रॉपर करियर काउंसलिंग करते हुए देयर ऑन एप्टीट्यूड। लेकिन जो ढेर लगा हुआ यूनिवर्सिटी उनको जाल बिछा हुआ इसमें ऐसा कुछ नहीं। और जितना सलमान जितना वो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, क्या उतनी उनको अपॉर्चुनिटीज है पहले से देखी हुई? एग्जैक्टली एक तो जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दूसरा सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 इयर्स, और अगर मैं क्लास में खड़े होकर कह रहा हूँ कि यार तुम निकलोगे इंस्टीट्यूट से 30,000 की जॉब मिल जाएगी, 20,000 की जॉब मिल जाएगी, वी मेक देम लिव इन अ फेरी लैंड जहाँ पे वो अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, जहाँ पे वो अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर्स की केस स्टडी पढ़ते हैं, जहाँ पे उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो नेट पे जाते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, रिसर्च करते हैं, खत्म। दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू द लिटरल मार्केट। पाकिस्तान में अभी आप बात करें कि मल्टी नेशनल कंपनीज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तकरीबन 650 स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आई डोंट नो द करंट फिगर्स, इट वाज 657। अगर उन कंपनीज में कितनी जॉब्स होंगी, उसके बाद एमएनईज कितनी है, 500 पाकिस्तान में, उस वो कितनों को अकोमोडेट कर सकते हैं? 99% जो बिजनेस हेड्स हैं अगर उनको काउंट किया जाए तो दे आर एसएमईज। बिल्कुल, और हमारे यहाँ कोई इधर इलेक्ट्रिक शॉप पे कोई खड़ा है तो उधर जॉब करना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। जी मैं इस छोटी सी कंपनी में नहीं जा सकता, इस शॉप में नहीं जा सकता। तो इट्स द टाइम दैट वी ब्रिंग अ चेंज इन माइंडसेट, इट्स द यूथ विच नीड्स टू गो आउट लुक अराउंड एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज नॉट फॉर देमसेल्फ्स बट फॉर अदर्स, इट वुड ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर देमसेल्फ्स। सिंपली जैसे ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ही सो एब्सोल्युटली राइट। अगर टीचर्स एट दिस लेवल जिस जहाँ पे सलमान है, ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली माइंड सेट बना सकते हैं बच्चों के। जैसे अगर मेरे लेवल पे मेरे पास लड़कियाँ ज्यादा होती हैं तो मैं उनसे उनको जो है उनको मोटिवेट करने के लिए मैं कभी नहीं कहती कि यू एड वैल्यू टू इट, वो समझ नहीं आता। मैं कहा एड स्टाइल टू इट, एग्जैक्टली स्टाइल लगाओ उसमें, यू नो, अगर आपने जो है एक खाना भी पका के देना है तो उसमें स्टाइल होना चाहिए, उसमें ऐड कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। जो भी हो, कितना उर्दू भी आप पढ़ाएं लेकिन इस तरह के आपको मतलब यू शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। एब्सोल्युटली आई एग्री। सी हमारी यूथ में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, दे आर सो इनोवेटिव। अगेन इफ आई मेक कोट अ एग्जांपल, हम लोग जब ब्रिटिश काउंसिल के अंदर अपना सोशल एंटरप्राइज अवार्ड रन करते हैं तो उसमें जो 3 साल पहले टीम जीती थी उन्होंने क्या किया कि गांव सोशल एंटरप्राइज था, उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जी हम लोग गांव से ऑर्गेनिक वेस्ट उठाएंगे और उसको रिसाइकल करेंगे, फर्टिलाइजर बनाएंगे एंड वील सेल। नाउ इन 3 इयर्स टाइम दे आर वर्किंग विद शुगर मिल्स इन बायोगैस रिसाइकलिंग, दे आर अर्निंग अराउंड 3 लाख रुपीज पर मंथ, और वो कम्युनिटी में भी साथ प्रॉफिट शेयर करें। अगर वो लोग जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया और जिनको प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं मिली, उनको ये नस्ट, इकरा, माजू, बहरिया, द टॉप यूनिवर्सिटीज, 121 रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर उनको वो एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं है, उन्होंने वो क्लासरूम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स देखे ही नहीं है, दे डोंट नो एनी लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज बैरियर, उसके बावजूद अगर वो लोग कर सकते हैं तो आई बिलीव जितने ये स्टूडेंट लॉट हैं हमारी जो इतने पढ़े लिखे हैं, दे आर फार बेटर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, EQ, IQ, दे शुड गो आउट, उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी है, दे नीड टू स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब, दे नीड टू क्रिएट जॉब, अपनी जॉब। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हम लोगों को एज टीचर्स जो ना, वी नीड टू रीडिफाइन सक्सेस। एग्जैक्टली, सक्सेस असल में कामयाबी क्या है लोगों के लिए, इसको हमने रीडिफाइन करना है। हमारे लिए सक्सेस हमेशा ये नहीं होता कि आपने पैसा कमाना है, आपने एक घर बनाना है, ठीक है, ये भी जरूरत है, हमारी जरूरत है, मगर उससे कहीं ज़्यादा देखें जो आदमी, जो बच्चा जो है वो उस लाइन में को अडॉप्ट कर रहा है ना, वो आगे जहाँ पे उसका 20 साल का पोटेंशियल है ना, वो 10 साल में क्लैक्स कर जाएगा। जहाँ पे ये वाला पोटेंशियल है, जहाँ पे उसका अपना दिमाग है और उसकी अपनी एफर्ट है, इट्स हिज ओन बेबी, राइट, तो ये आगे तक चलेगा। और इन द लॉन्गर रन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग सर शॉर्ट साइटेड हो गए हैं,
हम लोग शॉर्ट टर्म फायदा देखते हैं. Exactly, नौकरी की, हमने ये पैसा लिया और ये किया खत्म हो गई. अब वो कहते हैं कि पहले ये जमाना था ना कि कहते थे कि आप सेविंग करें, आपकी इनकम ये होनी चाहिए, आपकी सेविंग ये होनी चाहिए. अब कहते हैं कि सेविंग पहले करो फिर इनकम स्पेंड करना. बिल्कुल सही बात है, ट्रू. थिंग्स हैव रियली चेंज्ड एब्सोल्युटली. और दूसरा ये कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमेशा हम ब्लेम यही करते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं और दीगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ब्लेम करते रहते हैं. लेकिन बच्चे भी, हम लोगों की भी डिमांड्स है ना बड़ी हाई हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी बड़ी हाई हो गई हैं और हम अपनी ईगो नहीं हर्ट होने देते, चाहे बेशक हम 2 महीने साल ही बेरोजगार जो हम लोग वो बैठे रहें. जॉब हंट भी नहीं आती सलमान लोगों को, दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. रोजी पे अकाउंट बना लेंगे लेकिन उनको नहीं पता मैंने उस पर लिखना क्या है, कवर लेटर में क्या होना चाहिए. ठीक है, मतलब मैं भी एग्जाम्पल शेयर कर रही थी मेरे भाई और मेरी दोस्त की. ठीक है, दोनों ने अकाउंट्स बनाए, दोनों ने एक साथ जॉब सर्च स्टार्ट की. अब वो जो भाई था मेरा, उसको हर कंपनी से ऑफर आ रही थी. ठीक है, एंड शी इज लाइक मैं तंग आ चुकी हूँ, अब मैंने कहीं और अप्लाई नहीं करना, नोबडी कॉल्स यू. एग्जैक्टली, कितना डिफरेंस है अप्रोच में. सी द थिंग इज अगेन, जब सीवी राइटिंग की बात आती है, इट्स अ आर्ट. आई हैव बीन जॉब हंटर मायसेल्फ अपनी कंसल्टिंग फर्म में लॉन्ग टाइम बैक. लोगों की सीवीज अगर हम लोग देखें ना, तो आधे से ज्यादा अगर आप एक ही क्लास की सीवीज उठाएं तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्टेड होते हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हम लोग जब लिख रहे होते हैं, इट्स रियली फनी. जिस सीवी का ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, आई वांट टू जॉइन अ कंपनी वेयर आई कैन एक्सेल, वेयर आई कैन डू भाई. कंपनी जिसने हायर करना वो देखिए आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ना कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं. और आपका ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से जॉब के अकॉर्डिंगली चेंज भी, आप लोग सीवी हर जॉब का चेंज होता है, ये होता है एक ही बनाया और भेज दिया उठा के. एग्जैक्टली, सीवीज वगैरह में अगेन जॉब मार्केट इज चेंजिंग, लोग अब हेड हंटिंग फर्म्स को यूज कर रहे हैं. रोजी हो गई, करियर पाकिस्तान हो गई, लॉट्स ऑफ अदर्स. उसके बाद आई बिलीव के सीवी इतने ज्यादा उनके पास सीवीज आती हैं कि लक आ जाती है बीच में, क्योंकि अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या है क्या नहीं. सो आपको जब सीवी आप देने जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट देयर इज नो हार्म इन गोइंग फॉर अ इंटर्नशिप. ठीक है, लोग ताकि आप जाते हो. अच्छा, इंटर्नशिप का पता नहीं क्यों हमारे मेरा जो स्कूल है, आई हैव गॉट चिल्ड्रन जिनके 7 से 9 साल का जो एज ग्रुप का जो लेवल है, अभी समर्स में वो गए हैं मॉल्स में, सेल्समैन की जॉब की है. एक हमारे पास वहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, एज वेटर्स उन्होंने जॉब की है. देखो, छोटे बच्चे हैं, बट व्हाट आई वांट टू इंस्टिल विद देम दैट दिस इज द रियल वर्ल्ड. वो उसमें मत रहना कि जो है कि कुछ ऐसा होगा, लोग आपके घरों में, लोग बिल गेट्स आपको लेटर भेज रहा होगा, खुदा के लिए मेरे पास आ जाओ, ऐसा नहीं होता. चेकआउट अवर इस एज से अगर ये इंटर्नशिप करें, एटलीस्ट कम्युनिकेट करना तो आ जाएगा. बिल्कुल. और दूसरा, if you are, it happens so many times that you are really good but you can't put it across. Exactly. जब आप internship करते हो तो HR आपको देख रहा होता है, आपके आस पास वाले लोग आपको देख रहे होते हैं, you get immune to it. बिल्कुल. ठीक है, एक जमाना था जब मैं काफी fascinated होता था मार्शल आर्ट से. अच्छा. तो मुझे किसी ने स्टोरी बताई समर आई की, यार ये बनती है तो इट्स अ रॉ आयरन, उसको कितना गर्म किया जाता है और कितनी दफा थोड़े मार के वो पीस ऑफ आर्ट बनता है. सो अ स्टूडेंट नीड टू गो थ्रू ऑल दिस हार्डशिप इफ दे वांट टू पॉलिश देमसेल्फ, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. यू नो एग्जैक्टली, आई कोट टू माय टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स दैट डायमंड is a result of immense pressure. True. Otherwise, it's just a fossil fuel. कोयला ही है ना. हाँ, लेकिन ये हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, समझते हैं यार ये तो किताबी बातें हैं, बुजुर्गों ने कह दी. ठीक है, नहीं, ये उनके एक्सपीरियंस से आई हुई बात है. एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता. जिस तरह से आप मतलब अपनी जिंदगी वो लोग गुजार चुके हैं, उन्होंने जो कुछ देखा, आप कभी भी मतलब उस चीज़ को आप उसके साथ मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं. ये जो कहावतें, ये जो बातें, ये यूं ही नहीं बनी हुई है, इनके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, कहानी है जो हम आप देखिए. सॉरी कि वो जो जब पहली दफा लड़कियां जब निकलती हैं, लड़के निकलते हैं, लड़कों का मैं इतना नहीं कह सकती क्योंकि आई डील मोर विद द गर्ल्स. आप उनको कुछ कह देना, घर जाके रोना बैठ जाए, मुझे कह दिया मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती. बिल्कुल, ये मेरे खिलाफ है, वो तो उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश हो रही है. ओ यार, कम ऑन, ग्रो अप, यू नो. बॉस ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, रोना शुरू, अगले दिन से अम्मी मैं जॉब नहीं कर रही. लड़की की तो वहाँ पे दी एंड हो जाता है, लड़के फिर थोड़े. इसीलिए अल्लाह मियां ने कहा कि लड़कों को उन्होंने बर्दाश्त करने वाला जरा मादा में जरा ज्यादा इस तरह से रखा हुआ, हार्डशिप वो बर्दाश्त करते. हम कहते थे कि नहीं नहीं, दोनों मर्द और औरत बराबर होते हैं. मारूफ लड़कियों को इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं सारी जिंदगी, जाते हैं जाओ नौकरी कर लो. नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ये भी होती है ना मीरा, वो कहती हैं हम तो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ माहौल बड़ा अच्छा होगा, जहाँ लोग पता नहीं क्या क्राइटेरिया माहौल के अच्छे होने का, माहौल के कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अपना माहौल कहीं भी बना लेते. एग्जैक्टली, आई बिलीव अगेन, आपने कितना को रुलाया है, बहुत सो को रुलाया है, यू नो इट फार बेटर समहाउ. नहीं नहीं, किसी को रुलाया, इंटरव्यूज हो रहे हो, चाहे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस दे रही हो, समहाउ द अदर आई एम द डेविल इन दैट टर्म्स. लोग मुझसे बाहर निकल के ठीक ठाक, खांसी लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, पता चल
पता कितनी अच्छी दवाई दी है. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक चाहे लड़का हो या लड़की, फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड हम लोग, आई वुड नॉट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन द यूथ ऑन अस, एंड आई वुड नॉट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन द सिस्टम. इट्स अ मिक्सर ऑफ बोथ. आप ये देखें कि जब बच्चा घर में होता है फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, अब हम उसको दिखा क्या रहे हैं? अभी वो क्लास में, प्राइमरी में नहीं गया, केजी में नहीं गया, he or she is exposed to the media. अच्छा यहाँ से हम जरा कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कॉलर में. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं उमेरा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से. उमेरा क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, मजे में? बिल्कुल मजे में. आप हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. मुझे बताओ शो कैसा लग रहा है हमारा? बहुत बहुत अच्छा शो जा रहा है. और मैं एक क्वेश्चन बहुत इंजॉय. जी जी प्लीज. एक क्वेश्चन में मैं मीरा से पूछना चाहती हूँ. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आप? हाँ जी मीरा सुन रही हैं आपको, बोलिए. बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच. मैम छोटे पैमाने पर अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं? ये आपका सवाल अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू मैरा, हम आपका सवाल का जवाब अभी लेते हैं. अच्छा पहले बात कंटिन्यू करते हैं सलमान की, फिर अब बच्चा मीडिया में एक्सपोज होता है. मीडिया में एक्सपोज होता है, अगर इवन वो जो कार्टून्स वगैरह देख रहा है उससे उसकी क्या फैंटेसीज बन रही है. जब वो जाता है वो अच्छे स्कूलों में अगर जाता है तो उसको वहाँ पे जो एटमोसफेयर मिलता है उसको पाकिस्तान तो उसने देखा ही नहीं है. आज आप खड़ा करें ओ ए लेवल स्ट्रीम के बच्चों को, उनसे कहें आपको तराना सुना दे, मान जाऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ बात को. अच्छा और मजे की बात है, फखरिया कहेंगे अतराना गाड़ी में बैठा हुआ और कोई लफ्ज हुआ कहते हैं यहाँ पे बड़ी चोड़ियाँ दकेतियाँ होती हैं, चोड़ियाँ दकेतियाँ रख के मेरे का तुम्हें उर्दू नहीं आ रही. अजी क्या होता है, चोड़ियाँ होता है. He didn't even know. अच्छा उसने ऐसे लिखा तो उसने लिखा कि उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, मतलब दाखिल का भी वर्ड उसको नहीं आता था. जस्ट इमेजिन. वो इसीलिए क्योंकि हमारे, हम मुझे लगता है कहीं कहीं हम एट फॉल्ट हैं एज टीचर्स. हम ही लोग हैं ना जो रिफॉर्म कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम ही लोग हैं ना माइंडसेट भूल जा रहे हैं. कल्चर भूल इसलिए जाते हैं कि आई बिलीव वी हैव स्टार्टेड फीलिंग प्राइड इन द वेस्टर्न कल्चर इंस्टेड ऑफ व्हाट वी आर. यू हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट. हां सलमान, मुझे एक बात का जवाब मुझे चाहिए सलमान से. यू हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है, मुझे बताएं उनका बच्चा, उनका तो 8 साल का बच्चा सुबह अखबार भी जाके फेंक देता है, लेमिनेट का स्टॉल भी लगा लेता है. बिल्कुल ये चीजें नहीं हम अडॉप्ट करते. अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया पाकिस्तान में बाय द नेम ऑफ सर्विस लर्निंग. उसमें करते ही हैं ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में, जिधर फ्रॉम द वेरी यूथ फ्रॉम प्राइमरी के जी फर्स्ट क्लास टिल दे एंटर इन टू यूनिवर्सिटी, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में को एक्सपोज किया जाता है. पाकिस्तान में करने के लिए हमें स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स और उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब वो देखते हैं चीज़ों को, समझते हैं अपने हाथ से, तो इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम. देन यू, आप बाहर की बात करिए, वहाँ का कल्चर इतना मेच्योर है, यूके का फॉर एग्जांपल, बर्तानिया का, कि अगर आप जा रहे हो गलती से खंबे को भी आपका कंधा टकरा जाता है तो यू टर्न बैक एंड से सॉरी, ऑटोमेटिकली निकल जाता है. दिस इज व्हाट द सोसाइटी इज. सिंगापुर, वहाँ पे देर वन ऑफ देयर बॉडीज स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार हमारी यूथ जो आपस में बातें करते हुए स्माइल करना उसने कम कर दिया. वहाँ पे एक प्रॉपर इदारा है जिस तरह हमारा पैमरा है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, दे स्टार्टेड इनकल्केटिंग दिस थिंग इन द प्रोग्राम्स. वो दोबारा स्माइल एंड 5 years डाउन द रोड दे रियलाइज कि दे हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स. सो दिस इज हाउ दे लुक एट देयर यूथ एंड सोसाइटीज. हम लोगों का तो एक घर से दूसरे, एक सेक्टर से, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ E7 एंड G8. बिल्कुल बात है. हाउ ट्रू. अच्छा इनकी जो बात है ना मीडिया की, बचपन से एक तो हमने मीडिया को एक्सपोज कर दिया बच्चों के लिए इतना ज्यादा. दूसरा मुझे ये बताओ, जो प्ले ग्रुप का बच्चा है ना मेरे पास, उसके पास दुनिया की हर चीज है. डिजाइनर बैग है उसका, उसकी पेंसिल यूं है खत्म हो गई है. मैंने क्या बड़े होके चाहिए, मुझे उसको कुछ नहीं चाहिए, यानी उसको तो एक्साइटमेंट ही नहीं. आप बड़े ये ब्रांड, जो बच्चे होते हैं वो जॉब ही नहीं करना चाहते. ठीक है, अभी मेरी एक फ्रेंड और वो आर्किटेक्चर पढ़ रही थी और शी हैड रियली हाई होप जब तक वो पढ़ रही थी एमसीए से. ठीक है, और हम कह रहे थे कि यार ये इतनी पैशनेट है, ये जब निकलेगी, निकलते साथ इसने एक जॉब किया 2 महीने के लिए, वो रोना शुरू, शी इज लाइक मेरी शादी कर दी, नाउ शी इज मैरिड.
बस खत्म, कहानी खत्म, शी इज डेड, एंड ऑफ द स्टोरी, शी इज डेड, कहानी मुख्तसर, कहानी खत्म। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी आई मे बी रॉन्ग, मगर मुझे लगता है कि लड़की के लिए पढ़ाई, मेरे ख्याल में लड़का तो पढ़ रहा है जॉब के लिए, इवन इफ शी गेट मैरिड, मोस्ट ऑफ पीपल से कि यार बंदी डॉक्टर बन गई है, सीटें जाया करते हैं, शादी हो जाती है, आई डिसएग्री, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ लेते हो तो जो आप अपनी नई आने वाली नस्ल को ग्रूम कर रहे हो, बिकॉज रिसर्च से 95% ऑफ द लर्निंग जो है वो पहले 3 साल में बच्चा सीख जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसका जितना माइंड सेट है। मैं क्यों डिसएग्री करूंगी आपसे कि वाकई ये जाया करने वाली बात है सीट को, हाँ मेडिकल में तो है, क्योंकि देखिए मैं लास्ट टाइम भी इनको मैं कोट कर रही थी अब्दुल सत्तारीदी की वालदा का, कि उनका वो पढ़ी लिखी तो नहीं होंगी, वो खुद नहीं है तो उनकी क्या होगा, लेकिन उन्होंने किस तरह इनकलकेट किया, उन्होंने दो सुबह में दो आने देती थी उनको, उनसे कहती थी एक आना तुम्हारे लिए और एक सफेद पोश बच्चे के लिए, और वहां से कहां उनको ये चीज देखी। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहां से? मैं असिया रहमान पिंडी से। कौन बात कर रही है? असिया रहमान पिंडी। जी जी अतिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो। मुझे आपकी आवाज थोड़ी, आप अगर ऊंचा बोले, ये टीवी की वॉल्यूम पीछे कम कर लें प्लीज। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं आपका शो। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ सवाल पूछना चाहेंगी आज? हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल के दौर में हम अपने पेरेंट्स की किस तरह हेल्प करें, इतना इस तरह का दौर है, मतलब हम गर्ल्स को इजाज़त भी नहीं होती बाहर निकलने की घर से, तो हम अपने माँ बाप की किस तरह हेल्प कर सकते हैं? डन अतिया, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, बहुत सारे लोगों का इस सवाल के ऊपर बन के पूछना चाह रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, मैं भी पूछती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जरा क्वेश्चन सारे ले लेते हैं अपने पेरेंट्स के, हम लड़कियाँ किस तरह हेल्प करें। अच्छा, मैं क्वेश्चन सारे ले लेती हूँ। पहले मिसेस कामरान की हमें कॉल आई थी, उनका क्वेश्चन था जी कि मेरे बेटे ने प्री इंजीनियरिंग कर लिया। मिसेस कामरान, आपका क्वेश्चन मैं आप पूछ रही हूँ, आप अगर आप टीवी से कहीं दूर दूर हैं तो जरा मिसेस कामरान टीवी के करीब आ जाइए। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि वो कह रही थी कि प्री इंजीनियरिंग बच्चे ने हमारी कर ली है, ठीक है, लेकिन मुल्की हालात को देखते हुए वो इतनी डिप्रेस हैं कि उनको समझ आ रही कि मैं इसको यहां जॉब करने दूं, मैं कहीं बाहर भेज दूं नौकरी के लिए, वो जॉब की हंट जो मतलब शुरू करे ना करे, क्या कहते हैं? अच्छा, सी अगेन व्हेन वी लुक एट द जॉब मार्केट, आई एम नॉट, और इंजीनियरिंग को भी जरा ज़हन में रखिए, आई एम नॉट बायस, मगर इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी टाइट हैं, ठीक है, और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि बैचलर्स के बाद, इफ़ यू वांट, आइडियली स्पीकिंग आपको 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मास्टर्स में एंटर होना चाहिए, ठीक है, आइडियली स्पीकिंग, मगर जॉब मार्केट को कंसीडर करते हुए अगर आपकी फैमिली साउंड है और आप सीधा मास्टर्स में एंटर हो सकते हो तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि साल तक इकॉनमी, ओवरऑल इकोनॉमिस्ट बिलीव ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और अगर आई हैव स्टडीड अब्रॉड, ठीक है, मगर अगर आपने वापस आने की नीयत है तो, ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो एंड डू MSc अब्रॉड, ठीक है, इंजीनियरिंग में, टेलीकॉम में, दे आर सो मेनी सेक्टर्स, MSc एक नीश होती है, एक छोटे से हिस्से को ज़्यादा स्टडी किया जाता है, अनलाइक MBA जिधर आप जनरल एजुकेशन ले रहे हो, MSc वो अगर मीडिया कम्युनिकेशन, आई डोंट नो उनकी इंजीनियरिंग किस चीज़ में, उससे रिलेटेड अगर MSc कर लेते हैं साल की और वापस आ जाते हैं तो ही वुड हैव लॉट्स ऑफ स्कोप, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, स्कॉलरशिप्स आर देयर। ओके, अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो बाहर जाके पढ़ना तो चाह रहे होते हैं, मतलब मास्टर्स करना चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाती है और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं ये जॉब कर लूँ, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, वो जॉब वाले कहते हैं आप हमारे साथ करें, व्हाट डू यू सजेस्ट, जॉब कर लें या बाहर जाएं? तो जॉब, अच्छी जॉब, लेटर ऑन 2 साल के बाद वो बाहर जाके, आइडियली स्पीकिंग पहले जॉब बाद में मास्टर्स, क्योंकि आप ज्यादा लर्न करते हो, इट इज मेंट टू बी लाइक दिस, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरे मीरा आपके लिए था, हुमैरा जो पूछ रही थी क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं, आपको समझ आ गई? उनका सवाल ये था कि मैं छोटा बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है और बात वही है कि री इन्वेंट करना है। अब जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग हॉस्पिटल्स चले जाएँ, वहाँ पे जो है किसी से बात जाके कर लें कि फ्लावर बास्केट्स, फ्रूट्स, जूस, रैप शैप करा के आप एक स्टॉल रख दें, कीप इट वेरी रीजनेबल। अगर आपका 400 रुपये लगा हुआ है ना तो 500 से ऊपर ना बेचें, जितना कम आप प्रॉफिट रखेंगे उतना आपका ज्यादा बिकेगा, बिल्कुल सही। और ये उसूल तो वो हर बिजनेस के लिए रख लें, बिल्कुल। अच्छा, आजकल तो ये ड्रेस डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के इतना मार्जिन है, बहुत बहनों और भाइयों, इतना मार्जिन है इसके अंदर, ऑनेस्टली टेलिंग यू, आप मतलब अगर आपका दिमाग है ना, फिर थोड़ा सा भी क्रिएटिव, थोड़ा सा होमवर्क करें और निकलें, वही वाली बात है जो ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ, इनिशिएटिव लें। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि ये बड़े बड़े मेले शेले भी लगते हैं यहाँ पे, जॉब हंट, जॉब फेयर, ये वो जाया करें इनमें, लोगों से मिला करें, हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है, हम कहीं जाते हैं, हमारी नेटवर्क, हम नेटवर्किंग एक्सपैंड नहीं करते। अब आज अगर मैं सलमान से मिली, आई वुड लाइक टू कीप इन टच विद हिम, हो सकते कल ये मुझे कोई राह दिखा दे, कल आपने मुझे इतने लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जो मेरे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, आई एम वेरी ग्रेटफुल।
तो ये एक्सपेंड करें अपने आप को। अच्छा, इस पे अगर मैं ऐड कर सकूं थोड़ा सा हुमैरा के लिए, अभी मैंने आपको बताया था जिस तरह वी वट एवर वी डू इन द काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल में वी ट्राई टू हैव जेंडर इक्वलिटी। जो टॉप 20 टीम्स पाकिस्तान में आती हैं हमारे एंटरप्राइज अवार्ड में, नॉर्मली 7 से 8 टीमें लड़कियों की होती है। इस साल जो नेशनल चैंपियन हमारा होता है वो फिर साउथ एशिया की चैंपियनशिप लड़ता है और फिर ग्लोबल चैंपियनशिप लड़ता है। इस साल की जो हमारी चैंपियन थी वो PVTC एक इंस्टीट्यूट है वोकेशनल एजुकेशन का, नर्सिंग का, उससे वो बंदी जीती थी। उसका ये था कि मैं हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग करूंगी प्रो पुअर यूथ के लिए और मैं डोनर ग्रुप्स और मुख्तलिफ कंपनीज के CSR में उनसे पैसे लूँगी। प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, वो नेशनल चैंपियनशिप बनी, हमने उसको सपोर्ट किया बिजनेस स्टेब्लिश करने में, इक्विपमेंट परचेज करने में। वो रीजनल चैंपियन बनी, ग्लोबल चैंपियन बनी। जब पहली बार वो प्रेजेंट करी थी उससे उर्दू भी सही नहीं बोली जाती थी, वो इंग्लिश में फर प्रेजेंट करती है। 4 महीने हो गए हैं उसको। 1 महीना पहले मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में एक इनॉग्रेशन के लिए गया हुआ था, उधर वो भी प्रेजेंट करी थी। उसने कहा कि जी हम लोगों ने 1200 लोगों की टेस्टिंग कर ली है और वी हैव अर्न 2 लाख रुपीज़ इन 2 मंथ्स टाइम। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बच्चे वेरी गुड, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अखबार में छपाता हूँ, इट्स अ सक्सेस हमारी वजह से, तो आप ऐसा करो किसी का टेस्ट वगैरह करना, हम तस्वीर खींच लेंगे, हम प्रमोट करेंगे कि 1000वें बच्चे की, क्योंकि 1000 इज अ राउंड ऑफ फिगर। शी गोस सर आपने कब टेस्टिंग करनी है? मैंने कहा यार तकरीबन 15-20 दिन लग जाएंगे। कहती है सर आप आइएगा 2000वें बच्चे की हम लोग एक्चुअल टेस्टिंग करेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल। अब वो शी हैज नॉट बीन टू गुड यूनिवर्सिटी, शी हैज नॉट डन MBA, उसके पास जो स्किल थी उसने उससे बिजनेस स्टार्ट किया, नर्स थी। क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है, जिस तरह सलमान करें इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आप अपने माइंड को पॉजिटिव तो रखें, आप छोड़ दीजिए स्टार प्लस के ड्रामे जहाँ देवरानी जेठानी एक दूसरे पे सियासतें कर रही हैं, लुक इनटू समथिंग पॉजिटिव। अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमें आया था अतिया की जानिब से भी रावलपिंडी में, वो कह रही थी कि जी ये जो लड़कियां होती हैं वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज घर के हालात ठीक नहीं होते, लड़की बड़ा फील कर रही होती है लेकिन उसके बस में नहीं होता, और पेरेंट्स भी बेचारे होते हैं पुत्र ही जाती तो कुछ करके ले आती है और बेटी तो अपने घर इसने चले जाना है, इसको क्या इस पर अपने पैसे लगाने, या अगर इसको कोई अच्छी जॉब वो मिल भी गई है तो इसका क्या हमें फ़ायदा, कल को तो इसने अपने घर चले जाना है। वो लड़कियाँ किस तरह से अपने पेरेंट्स जी, ऑन अ लाइटर नोट, पहली थिंग तो बीइंग अ डॉटर, शी हैज डन अ फेवर टू हर पेरेंट्स, ठीक है। कहते हैं सन इज सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, डॉटर इज डॉटर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। ब्यूटीफुल जी, दैट मेड माय डे, वेरी गुड। इसलिए तो शी हैज डन अ फेवर टू हर फैमिली बाय बीइंग देयर। सेकंडली वो क्या कर सकती हैं, अगेन जो शी डोंट नीड टू गो आउट यार, इतने अगर शी कैन राइट, एक चीज होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन ब्लॉगिंग हो रही है, इंटरनेट पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बैठ के 20-30 हज़ार रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती, अभी मेरी आपके CEO से बात हो रही थी, आप लोग लाइट्स के थ्रू एक इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, आप लोग घर बैठ के इंग्लिश सीख सकते हो। सो देयर इफ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट। अगर आप वो कहते हैं ना, यू विल फाइंड 1000 रीजंस नॉट टू डू एनीथिंग एंड यू विल फाइंड 1 रीजन टू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू इट। ब्रिलियंट जी, आई थिंक इतनी खूबसूरत बात की, किसी को हम रैप अप करते हैं हमारे सेगमेंट को, सलमान से ज्यादा भी चाहेंगे, बड़ा टाइम हमने ले लिया और मैंने आज ब्रेक भी नहीं लिया एक भी, क्योंकि मेरा था कि ज्यादा मैंने एक्सटेंड करना, बहुत सारा डिस्कशन करनी है, लेकिन आप लोगों का इतना फीडबैक आज अच्छा आया कि मैंने सलमान को जो है ना विद इन दिस मंथ मैं दोबारा एक दफा कॉल करूंगी, इनका स्केड्यूल देख के, और हम दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इतनी सारी, और हम कोशिश करेंगे CV राइटिंग स्किल्स को जरा डिटेल में हम देखें, प्रेजेंटेशन भी, बल्कि हम यहाँ पे सलमान से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो दे सके, बिकॉज चूंकि मैंने इनसे पढ़ा हुआ, मुझे पता है कि ये जितना अच्छा गाइड करते हैं CV राइटिंग के हवाले से, जॉब हंट के हवाले से, प्रॉपर जॉब एक अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, मैं आई प्रॉमिस यू कि इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ हम एक दोबारा इनके साथ शो रखेंगे। थैंक यू सलमान, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एंड इतने मजे से आपने आज बताया, अच्छे से कॉल्स, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, मीरा आप तो यहीं पे बैठी रहेंगी, लेकिन थैंक यू वेरी मच आपके लिए। और अभी आपको जरा बताते चले जी हमारे मेहमान कौन है जी, अगले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे जी लाखों दिलों की धड़कन, क्योंकि उन्होंने कुछ गाने इस किस्म के कमाल दिखा दिए जी कोक स्टूडियो के अंदर के लोग जो हैं उनके दीवाने हो गए हैं। और कल मैंने जब फेसबुक के ऊपर स्टेटस अपडेट किया तो मुझे इतना अच्छा फीडबैक, एवरीबडी वाज लाइक रियली अरीब अजहर आ रहे हैं आपके शो में से, जी अरीब अजहर आ रहे हैं जी, और इनका जो मशहूर तरीन इनका जो सॉन्ग है जी हुस्ने हकीकी, वो तो उसने तो धूम मचाई हुई है, लेकिन ये कि बहुत सारे और भी इनके ज़बरदस्त सॉन्ग्स हैं, और अरीब वैसे हैं नहीं जैसे गाने के अंदर आपको दिख रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी के असल जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद, तो देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइट्स मारो कुरैशी के साथ, जब से फ्लाइट Asia, have a lovely morning, have a great day ahead.